नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड में जो हरिद्वार कुंभ मेले का आयोजन किया गया था, उसमें एक बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। मेला प्रशासन ने जिस कंपनी को कोरोना जांच का ठेका दिया था, उनमें एक बड़ा घोटाला सामने आया। 1 लाख से ज्यादा कोरोना की जो रिपोर्ट है, उन्हें निगेटिव जारी किया गया। इसी पर हम बात करेंगे, कुंभ के नाम पर घोटालेबाज काम पर। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के दौरान कोरोना टेस्ट घोटाले का खुलासा होते ही उत्तराखंड सरकार में हड़कंप मच गया है। सरकार की नाक के नीचे बड़े स्तर पर निजी लैब्स ने 1 लाख से ज्यादा फर्जी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव जारी की। कुंभ मेले में तैनात किए गए तेज तर्रार अधिकारियों को भी मामले की कानो कान खबर नहीं हुई। शुरुआती खुलासे के आधार पर माना जा रहा है कि इस मामले में आर्थिक घोटाले के साथ ही झूठी रिपोर्ट देकर आम जनता की जान से भी खिलवाड़ किया गया है। राजनीतिक पार्टियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। सरकार का कहना है कि मामले की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कुंभ मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं की कोरोना संक्रमण की जांच के लिए हरिद्वार जिला अस्पताल और मेला स्वास्थ्य विभाग द्वारा 20 निजी लैब के साथ RT-PCR और एंटीजन टेस्ट को लेकर अनुबंध किया था। जांच के दौरान एक ही मकान और एक ही मोबाइल नंबर पर 50 से 60 फर्जी रिपोर्ट की गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में जब प्रदेश के अन्य जिलों की पॉजिटिव दर 14.18 थी, उस वक्त हरिद्वार की पॉजिटिव रिपोर्ट 2.89 थी। कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने हरिद्वार में अप्रैल माह के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आने की बात कही थी। 10 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच कुंभ में 2,14,000 एंटीजन और 26,654 RT-PCR टेस्ट किए गए थे। 400 रुपए न्यूनतम दर के हिसाब से इन टेस्ट की कीमत 6,42,04,500 रुपए बैठती है। सिर्फ 5 दिनों के टेस्ट का आकलन करने पर यह कीमत निकल कर आई है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि अगर पारदर्शी जांच की जाए तो कुंभ के पूरे समय की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट में कितना बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। आधा घंटे में RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट दिखाई तो निश्चित रूप से संदेह होना स्वाभाविक था। जांच करने के बाद मालूम हुआ कि उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व थे, तो तत्काल 2 लोगों को अरेस्ट करने का काम किया गया। उसके साथ साथ जो कंपनी टिहरी जिले में के लिए पैनल की गई थी, उसको ब्लैकलिस्ट करने के साथ साथ उसका काम वापस ले लिया गया। ऐसे ही देहरादून में भी कुछ मामले आए जिसमें एक नाबालिग लड़का पकड़ा गया। इसी तरह हरिद्वार की स्थिति भी जब सरकार के संज्ञान में आई तो एक जनरल ऑर्डर सभी CMO को कर दिया गया है कि जितनी कंपनियां RT-PCR में लगी हैं उनसे बकायदा उन्होंने कितनी जो RT-PCR किट्स परचेज की है और कितने का बिल शासन को सबमिट किया है, इसकी जांच कर ले ताकि स्पष्ट रूप से जो घपला है वो सामने आ जाएगा और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने कोर्ट को यह भी बताया कि 1 लाख कोविड रिपोर्ट्स जो नकली आई थी कुंभ में, उसमें 11 प्राइवेट लैब्स इन्वॉल्व थी और हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट करा कि इन 11 प्राइवेट लैब्स को प्रतिबंधित किया जाए कि वो 4 धाम में अपने कोई भी कैंप ना लगाए, ताकि यह क्योंकि यह संभावना है कि उसमें भी वो घपला करेंगे। तो कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख 23 जून 2021 को जब लेफ्टिनेंट चीफ सेक्रेटरी और लेफ्टिनेंट सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ और सेक्रेटरी टूरिज्म रहेंगे, तो इस बारे में उनसे पूछा जाएगा और एक डिटेल्ड ऑर्डर पास किया जाएगा। कोरोना टेस्टिंग घोटाले का खुलासा होने पर विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार कोरोना काल में पूरी तरह से विफल रही है। कोरोना काल में सरकार के कमजोर नेतृत्व की वजह से बाजारों में नकली रेमडेसिविर और कोरोना टेस्टिंग की थरल्ले से बिकी है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरकांत धासमाना ने कोरोना टेस्टिंग की CBI जाँच करने की मांग की है। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने भी हरिद्वार में कोरोना जांच घोटालों को लेकर रिपोर्ट को ऑडिट करने की मांग की है। आप प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने तीरथ सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार की बदनामी को छुपाने के लिए आंकड़ों को छुपाने की बाजीगरी की गई है। इसका एक नारा बड़ा चर्चित था, आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया लोगों ने, आपदा में अवसर ढूंढा, रैपिड टेस्टिंग किट नकली आई। आपदा में अवसर ढूंढा तो कोटद्वार में रेमडेसिविर इंजेक्शन नकली बनने लगा। आपदा में अवसर ढूंढा तो कुंभ में लाखों लाखों जो RT-PCR रिपोर्ट है वो नकली आ गई। तो आपदा में अवसर का नारा तो महाजनों ये नगता सपनता
जैसा महान लोग करते हैं और कहते हैं उसका अनुसरण नीचे वाले करते हैं, सबने किया अनुसरण। इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, लाखों करोड़ों लोगों की जान से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें आरटीपीसीआर में जो लोग इन्वॉल्व हैं सीबीआई की जांच होनी चाहिए, रैपिड एक्ट जो टेस्टिंग किट थी वो भी, रेमडेसिविर इंजेक्शन वो भी, ये सारे मामले आपस में मिले हुए। सरकार इतनी ज्यादा भोली भाली सरकार है जिसके हाथ में इतनी बड़ी मशीनरी है, जिसके हाथ में पूरा सिस्टम था, जिसका मेला अधिकारी जिनके थे और तमाम अधिकारी जिनके थे, जिन्होंने बाहर की कंपनीज को हायर किया था यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, और वो इस तरह के टेस्ट करते हैं कि किसी को पॉजिटिव किसी का नेगेटिव टेस्ट करते हैं, और हजारों लोगों के नाम पर एक ही फोन नंबर के साथ, और बहुत सारा फर्जीवाड़ा निकल के आ रहा है। तीर सरकार को जब हाईकोर्ट ने कहा कि आप 1,00,000 टेस्ट डेली करेंगे, तीर सरकार ने कहा कि मामला 50-50 करते हैं, डेली के 50,000 टेस्ट करते हैं, लेकिन तीर सरकार और उनकी मशीनरी डेली के 50,000 छोड़िए डेली के 5,000 टेस्ट भी नहीं कर पाई, और इतने बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि उत्तराखंड में कोरोना नहीं फैल रहा है। कुंभ मेले में किए गए कोविड टेस्ट, हेराफेरी में आर्थिक घोटाले के साथ मेले में आए लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। कुंभ के आयोजन के बाद उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण दर ने पहली लहर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हजारों लोगों की जान ले ली। हालांकि अब घोटाले में सरकार तत्परता से जांच करती है तो कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। तो पहले रेमडेसिविर जो नकली थे उनका मामला सामने आया, फिर ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी सामने आया, और अब ये मामला सामने आया कि जांच में भी घोटाला हुआ। इसी पर हम चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन से हो ये मन जुड़ा, नित ये स्मरण करते हैं हम, हर जन की सेवा में रहे अब ये वचन करते हैं हम। ना कोई अब पिछड़ा रहे, ना कोई अब वंचित, यहाँ निष्काम सेवा हम करें अब मन में प्रण करते हैं हम, अब मन में प्रण करते हैं हम। गौरव धरा है देव भूमि, ये कसम खाते हैं हम, संकल्प से हर सिद्धि तक, न मेरे कभी डिगे कदम, न मेरे कभी रुके कदम। सेवा समर्पण और विश्वास के 100 दिन, जनता के द्वार, तीरथ सरकार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे देवभूमि का दंगल। हम बात कर हरिद्वार मेला जो कुंभ का आयोजन हुआ था उसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जो मेला प्रशासन की तरफ से जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था जांच कोरोना जांच का, उसमें बहुत सारा फर्जीवाड़ा सामने आया। इसी पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ विनय गोयल हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सर स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस से गरिमा दसौनी हैं, प्रवक्ता हैं। मैम आपका भी स्वागत है, और साथ ही साथ हमारे साथ अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट से दुष्यंत मैनाली। सर आपका भी स्वागत है। विनय जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। सर शासन के नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकार ने बिल्कुल इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं, और कोई भी दोषी, कोई कितने से बड़ा भी कोई व्यक्ति होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और जिसने भी इस प्रकार से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है उसे किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा, उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे लगता है कि इससे जघन्य अपराध हो नहीं सकता कि जो, और पाप भी इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता कि जो कुंभ के अवसर पर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते करते उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ करे, उसको कोई भी किसी भी तरह से कहीं से भी माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है, और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाने के आदेश हमारी सरकार दे चुकी है, जांच जारी है, और उनका भुगतान भी रोक दिया गया है।
लेकिन सर सवाल तो ये उठता है ना कि अगर आप मेला प्रशासन किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वो उस कंपनी के बारे में पता करता है ना, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब से काम कर रही है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कि सीधे किसी कंपनी को दे दिया वो कंपनी कुछ भी करे, हम निश्चिंत हो गए कंपनी को काम देकर, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती? सारी चीजों की जांच की जाएगी और अगर किसी ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की कोताही की होगी तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, ये निश्चित मानिए कार्रवाई होगी। ठीक है, हम गरिमा जी के पास आएंगे। गरिमा जी, विनय जी का कहना है जो भी जिम्मेदार हैं दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, हरिद्वार महाकुंभ में संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए जिस तरह से टेस्टिंग एजेंसीज को लैब्स के साथ जो करार किया गया और जो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है उसने उत्तराखंड की जो छवि है उसको बहुत हद तक धूमिल करने का काम किया है। हमको हमारी क्रिकेट देश में ही नहीं विश्व में पूरे इंटरनेशनल मीडिया में आज हो रही है और शायद कोविड काल का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बनकर ये उभरेगा आने वाले दिनों में। इसके तार बहुत अंदर तक जुड़े हुए लग रहे हैं, करोड़ों करोड़ का ये घोटाला दिखाई पड़ता है और अभी केवल एक एजेंसी पर जांच में ये 1,00,000 टेस्ट फर्जी निकले हैं, जो बाकी 8 हैं अगर उन पर भी जांच हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा बनकर ये उभरेगा। यहाँ पर गोयल जी ने कहा कि बड़े से बड़ा आदमी बख्शा नहीं जाएगा। मैं जरा 3-4 इनको वाक्य गिनाना चाहती हूँ। जब आपकी जीरो टॉलरेंस ने बड़े से बड़ा छोटे से छोटा सब बख्श दिया, 2010 में कुंभ घोटाले के चलते ही निशंक जी को अपदस्थ किया गया था, उसका अभी तक आपने कोई निपटारा नहीं किया। कुंभ में हर बार आप घोटाला करते हैं, हमने भी अर्धकुंभ कराया था, हमने अपने सीमित संसाधनों से कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये समझ लीजिए कि हम इस घोटाले से बहुत दूर रहे। हमने जितने भी निर्माण कार्य कराए सारे स्थायी प्रवृत्ति के थे और आप देख सकते हैं कि इन्होंने और किस किस को बख्शा। इन्होंने हरक सिंह जी को बख्श दिया 20 करोड़ अपने बेटे के अस्पताल के नाम पर जिन्होंने निर्गत करा दिया और जब वापस लौटाने पड़े तो 20 करोड़ वापस लौटाने पड़े बोर्ड को, कार्रवाई कुछ नहीं हुई हरक सिंह जी के ऊपर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। इन्होंने संजय कुमार को, इन्होंने महेश नेगी को बख्श दिया जिन्होंने सालों साल तक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया। तो भाजपा ये कहना तो छोड़ दे कि बड़े से बड़ा नपेगा और छोटे से छोटा अंदर जाएगा। अब सुबोध उनियाल हो चाहे मदन कौशिक हो, कह रहे मेला अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों भाई, आपने प्रभारी मंत्री किस लिए बनाए थे? हर जिले में आपने प्रभारी मंत्री बनाए थे, क्या उन मंत्रियों की जवाबदेही कुछ नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को आंख बंद करके सो जाना चाहिए? किसी भी एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद सरकार को कुंभकरण की अवस्था में चले जाना चाहिए? मॉनिटरिंग नाम की भी एक चीज होती है और जवाबदेही उसकी होती है जो सत्तासीन दल होता है। आपकी नाक के नीचे आप जीरो टॉलरेंस की चाहे कितनी भी माला जप लो, 4.5 साल में हमने सिर्फ उतवल देखा, हमने आपके रोल बैक और यू टर्न देखे, हमने आपका नेतृत्व परिवर्तन देखा, हमने बेरोजगारी दर को आसमान छूते हुए देखा, हमने महंगाई को आसमान छूते हुए देखा, हमने मृत्यु दर को आसमान छूते हुए देखा और अब हम ये देख रहे हैं। अब आप बताइए कि 4.5 साल में प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार ने इस उत्तराखंड की जनता का क्या हश्र कर दिया कि पहले हम गर्व से कहते थे हम देवभूमि के लोग हैं, पहले हम सर उठा कर कहते थे हम तपोभूमि के लोग हैं, लेकिन आज हमें बताना पड़ता है वही तीरथ रावत की भूमि जो महिलाओं की जीव पर टिप्पणी करते हैं, वही त्रिवेंद्र रावत की भूमि जो कोरोना को जीव कहते हैं और जीने का अधिकार है कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक सर्कस चल रही है, यहाँ सरकार नहीं चल रही, इसका बहुत बड़ा दारोमदार जो आज ये घोटाला ये हुआ है फर्जीवाड़ा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को सरकार के जो जो प्रभारी मंत्री हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अधिकारियों को पर ही सब कुछ ना छोड़ दें। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
कुशल नेतृत्व एवं बेहतर प्रबंधन के द्वारा तीरथ सरकार ने कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना किया है। सरकार ने महामारी की दूसरी लहर में तेज और प्रभावशाली कदम उठाते हुए जनता को राहत पहुंचाई है। कोरोना के दौरान उत्तराखंड में ऑक्सीजन मैनेजमेंट सरकारी तंत्र की संवेदनशीलता और समर्पण का उदाहरण है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते ही सरकार ने जीवन रक्षक ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सार्थक कदम उठाए। सिर्फ 3 महीनों के भीतर ऑक्सीजन बेड 3,535 से बढ़ाकर 7,040 किए गए। ऑक्सीजन सिलेंडरों और ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की संख्या में भारी वृद्धि की गई। ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने पर भी तीरथ सरकार का जोर रहा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने स्वयं ऑक्सीजन आपूर्ति एवं उत्पादन की नियमित समीक्षा की, जिसका परिणाम ये रहा कि मार्च 2021 में 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट की तुलना में 15 ऑक्सीजन प्लांट कार्य कर रहे हैं। 18 ऑक्सीजन प्लांटों की स्थापना की कार्रवाई चल रही है। राज्य में आज 250 मीट्रिक टन से अधिक की ऑक्सीजन उपलब्धता है और इसे नियमित रूप से बढ़ाने का प्रयास भी चल रहा है। चाहे ICU और वेंटिलेटर बेड का प्रबंधन हो या जीवन रक्षक औषधियों की उपलब्धता, राज्य सरकार ने पूर्ण संवेदनशीलता एवं पारदर्शिता रखते हुए जनहित में कार्य किया। सभी जिलों के DH, SDH, CSC, PSC तक ऑक्सीजन सिलेंडर एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की उपलब्धता करा दी गई है, जिससे कि आकस्मिकता की स्थिति में कहीं किसी प्रकार ऑक्सीजन की किसी को कोई कमी ना हो। तीरथ सरकार ने दिखा दिया है कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो कोरोना जैसी महामारी से भी जीता जा सकता है। जनता के द्वार तीरथ सरकार। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देवभूमि का दंगल देख रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां सीएम तीरथ के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। सेवा समर्पण और विश्वास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया है। सांसद नरेश बंसल, मंत्री गणेश जोशी, कई विधायक रहे मौजूद। देहरादून से खबर, सीएम तीरथ के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। सेवा समर्पण और विश्वास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम में सीएम ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। तो सीएम तीरथ के 100 दिन का कार्यकाल पूरा हुआ है। सेवा समर्पण और विश्वास कार्यक्रम का इस मौके पर आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में सीएम ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया है। हम अब वापस अपने कार्यक्रम में आएंगे। आप देवभूमि का दंगल देख रहे हैं, जहां बात कर हरिद्वार कुंभ में एक घोटाला सामने आया है, जो जांच को लेकर किया गया। कोरोना जांच बहुत ज़्यादा फर्जी तरीके से नेगेटिव रिपोर्ट जारी की गई। हम वापस आएंगे विनय गोयल जी के पास। विनय जी, ब्रेक से पहले दसोनी जो है, गरिमा दसोनी जी, उनका कहना था कि सरकार अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट देती है, किसी को ठेका देती है जांच का, आपने प्राइवेट लैब्स को ठेका दिया, तो सरकार निश्चिंत हो जाती है, अधिकारियों पर सब छोड़ देती है। अधिकारी उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है। जो भी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें ठीक दिशा में जा रही तो ठीक है, और सही दिशा में नहीं जा रही तो भी ठीक है। देखिए, मुझे लगता है कि गरिमा मेहरा दसोनी जी जिस प्रकार की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि उन्हें पहले कांग्रेस के अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए, किस प्रकार के भ्रष्टाचारी लोग कांग्रेस में भरे हुए हैं। स्वयं हरीश रावत जी टीवी चैनल पर कहते हुए पकड़े गए थे कि तुम 30 करोड़ कमा लो, 40 करोड़ कमा लो, उत्तराखंड को लूट लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के कल्चर रहा है, हमेशा ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी रही है, उसको इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। जिस प्रकार के प्रश्न वो भारतीय जनता पार्टी पे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज पूरी कांग्रेस चीन की और पाकिस्तान की भाषा बोल रही है, और जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद एक प्रकार से फैलाने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल कर रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप कुछ भी कहिए, जनता आपकी रग रग से वाकिफ है। जनता जानती है कि आपका असली चेहरा क्या है, और आप कितनी भी बातें बनाए, कितने भी आरोप लगाने का काम करें, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी
और कांग्रेस में बेसिक क्या अंतर है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा के लिए काम करती है, देश के हित के लिए काम करती है, और किस प्रकार से कांग्रेस देश के हितों को ताक पर रखकर देश को लूटने का काम करती है, किस प्रकार से हजारों लाखों करोड़ के घोटाले कांग्रेस की केंद्र की पूर्ववर्ती सरकारों के जमाने में हुए, और किस प्रकार से पिछली कांग्रेस की सरकार के समय जिस प्रकार से लूट की खुली छूट थी, और कांग्रेस में इसीलिए उस वक्त जो घोटाले हुए उस पर भी मीडिया ने सवाल किए, और अभी तो सरकार आपकी, तो सवाल तो आपसे किए जाएंगे ना सर। ठीक है, हम वापस आएंगे, गरिमा जी से जवाब लेंगे इसका, लेकिन उससे पहले दुष्यंत जी के साथ पास जाएंगे। दुष्यंत मैनाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं कोर्ट। सर अब ये कहा जा रहा है जो हरिद्वार जो जिला अधिकारी उनकी तरफ से कि जो मैक्स कॉरपोरेट कंपनी है जिसने निजी लैब के द्वारा जांचें कराई उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ड्राफ्टिंग वगैरह चल रहा है, कल तक उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो सर सवाल ये किस तरह का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि घोटाले के साथ आर्थिक घोटाला तो हुआ ही, साथ ही साथ लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ किया गया। ये बिल्कुल ये बहुत गंभीर है, जहां तक कि जांच की बात है तो ये कोई इतना ऐसा विषय नहीं है कि किस सड़क की गुणवत्ता के मामले की जांच हो रही है, लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये आपराधिक मुकदमा इसमें जो है उसमें जघन्यतम कैटेगरी का ये है। और इसके साथ में आपके साथ कुछ आंकड़े भी शेयर करना चाहूंगा कि ये जो घोटाला हुआ है, चाहे ये इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर हुआ, नीति में गड़बड़ी थी या नहीं थी ये बात का विषय है, लेकिन वास्तव में कैसे जमीन पर लागू किया गया तो उसमें ये सब बातें सामने आ रही है। और जैसा कि हरिद्वार में 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो टेस्ट हुए उसके जो आंकड़े सामने आए हैं और राज्य सरकार की रिकॉर्ड से जो एनालिसिस हुई है, तो उससे पता चलता है कि पूरे राज्य में 12 जिलों में जो टेस्टिंग 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हुई है उसकी 58% सिर्फ हरिद्वार में हुई है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट रहा हरिद्वार में मात्र 2% के आसपास रहा, जबकि अन्य जिलों में 14% उन्हीं दिनों में। तो जहां ज्यादा टेस्ट हुए हैं, 58% टेस्ट जिस जिले में हुए हैं और जहां अधिक लोग आए हैं, अन्य प्रदेशों से भी आए हैं, वहां पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 2% आंकड़ों में आना, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि ये वेल डिजाइन था कि उसमें कम प्रकार से दिखाया जाए, चाहे ये आधार पर जो लागू करने वाले लोग थे या वो थे। दुष्यंत जी एक ब्रेक का वक्त है, हम चाहेंगे ब्रेक के बाद आप अपनी बात को पूरा करें, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। वैश्विक महामारी कोरोना, मुश्किल दौर, मुश्किल हालात, लेकिन इस मुश्किल दौर में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रबंधन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में ऊर्जा का नया संचार कर रहे हैं। नियम संयम और सजगता के साथ सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए हर फ्रंट पर मजबूत तैयारियों पर जोर दिया है, जिसके चलते कोरोना काल में ना तो राज्य में हालात काबू से बाहर हुए और ना ही राज्य में जीवन रक्षक औषधियों से लेकर ऑक्सीजन की कोई कमी हुई। इसके लिए सरकार ने बहुआयामी रणनीतियां बनाई। सबसे पहले जिसकी शुरुआत टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाकर की गई, जिसके फलस्वरूप आज उत्तराखंड में कोविड टेस्टिंग राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आज राज्य में जहां 10 प्रयोगशालाएं RT-PCR टेस्ट के लिए हैं, वहीं 26 निजी प्रयोगशालाओं और 64 ट्रूनेट मशीनों के द्वारा कोविड जांच की जा रही है। कोरोना जांच बढ़ाए जाने के साथ ही सरकार का पूरा फोकस कोरोना के इलाज पर है। देवभूमि उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को सरकारी ही नहीं निजी अस्पतालों में भी समुचित इलाज मिले, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड के लिए भी सभी प्रकार के निशुल्क उपचार की व्यवस्था दी जाए। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का हाल जानने के लिए खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत PPE किट पहनकर कोरोना वार्डो में जा रहे हैं और मरीजों से बात कर रहे हैं। यही नहीं, उनके द्वारा इलाज के साथ साथ ऑक्सीजन और जीवन रक्षक औषधियों की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्लान पर फोकस किया गया है। सरकार के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि आज उत्तराखंड में जनपद सहित निचले स्तरों पर कुल 12 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 108 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 250 से अधिक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर कार्यरत हैं।
सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को ध्यान में रखते हुए तेज और प्रभावशाली कदम उठाए हैं। 1 मार्च 2021 से अभी तक ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 3,535 थी, उसे बढ़ाकर अब 7,048 कर दिया गया है। वहीं आईसीयू बेड की संख्या को 836 से बढ़ाकर 1,754 किया गया है। वेंटिलेटर की संख्या को भी बढ़ाया गया है, 695 से बढ़कर ये संख्या आज 1,092 हो गई है। प्रदेश सरकार की तैयारियों का ही नतीजा था कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों हेतु ऑक्सीजन की कभी कमी ही नहीं हुई। राज्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने मार्च 2021 में उपलब्ध 1,275 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मात्रा को बढ़ाते हुए जून तक 3,700 और नए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करवाए, जिससे प्रदेश में अब 4,975 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं। मार्च 2021 में जहां 3 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट थे, उसकी तुलना में उत्तराखंड में आज 15 कार्यरत ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। साथ ही 18 अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की कार्रवाई गतिमान है। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी जोर दिया। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए लोगों की निगरानी के लिए बड़े स्तर पर टीमें बनाई गई, जिसके जरिए संपर्क में आए व्यक्तियों की निगरानी के लिए SDRF नियंत्रण कक्ष, जिला नियंत्रण कक्ष, जिला प्रशासन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। होम आइसोलेशन को लेकर राज्य सरकार ने बड़ी कारगर रणनीति बनाई। उत्तराखंड सरकार आज कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उनके घरों पर ही मोबाइल टीम के माध्यम से होम आइसोलेशन किट मुहैया करवा रही है। प्रदेश सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कोविड कर्फ्यू लगाने की थी, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए लोगों का सहयोग बेहद जरूरी था। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू पालन के लिए सख्त नियम लागू किए, जिसका क्रियान्वयन उत्तराखंड पुलिस बड़े ही बेहतर तरीके से कर रही है। प्रदेश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। राज्य में 800 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। 45 साल के ऊपर के नागरिकों के टीकाकरण के साथ साथ अब 18 से 44 साल के लोगों का भी प्रदेश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की दूरदर्शी सोच और कारगर रणनीति का ही नतीजा है कि आज राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है और कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग में उत्तराखंड आगे निकलता दिख रहा है। लेकिन हमें अभी भी सावधानी बरतनी है, बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। सेवा समर्पण और विश्वास के 100 दिन जनता के द्वार तीरथ सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, 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 नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, जहां हम चर्चा कर रहे हैं हरिद्वार कुंभ मेला में जो आयोजन किया गया था, वहां पर एक कोरोना जांच को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। हम वापस आएंगे, हमारे साथ मेहमान हैं दुष्यंत जी। दुष्यंत जी, ब्रेक से पहले आप कोरोना की टेस्टिंग के आंकड़ों को लेकर बात कर रहे थे, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। जिस समय कुंभ चल रहा था जी, तो छोटा सा तथ्य है जो अभी संज्ञान में आया है। उस समय रायवाला गेट पर एक टेस्टिंग एजेंसी है जिसको गवर्नमेंट ने नोडल बनाया हुआ था, जिनको जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। उस इमेजिंग लैब पे जो कर्मचारी रायवाला गेट पर थे, उन्होंने अप्रैल में 9 तारीख को एक चिट्ठी लिखी थी SDM साहब को, जिसमें उन्होंने कहा था कि यहाँ पर हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि बिना टेस्ट किट यूज किए हुए लोगों को निगेटिव रिपोर्ट दीजिए, और जब हम नहीं मान रहे तो हमसे ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ चंद अधिकारियों और जो पुलिस के कर्मचारी हैं उनको टेस्ट कीजिए और बाकी लोगों को आप सिंपली रिपोर्ट दीजिए। तो वो पत्र जब सर्कुलेट हुआ, उन्होंने मीडिया में भी इशू किया, तो उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन तत्कालीन जो SDM साहब थे, उन्होंने उस पर जांच की जहमत नहीं उठाई, अन्यथा ये विषय जो आज सामने आ रहा है ये उन्हीं कर्मचारियों के पत्र से उस समय भी हाईलाइट हो गया था, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और साथ ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 6 मई 2021 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि राज्यों को आंकड़े छिपाने नहीं चाहिए, टेस्टिंग के सही आंकड़े, कोरोना के सही आंकड़े
प्रस्तुत करने चाहिए ताकि प्रॉपर एलोकेशन रिसोर्सेज का किया जा सके। तो अब संज्ञान में आता है कि प्रधानमंत्री जी का इशारा किन चीजों की तरफ था, तो अब ये देखने में आ रहा है कि जिन छोटी छोटी बातों पर, उन कर्मचारियों की शिकायत पर अगर समय से ध्यान दे दिया गया होता तो इतने सारे लोगों के जीवन के साथ शायद खिलवाड़ नहीं होता, बहुत से लोग एंट्री नहीं कर पाते और बहुत से ऐसे लोग जो शायद पॉजिटिव रहे होंगे और इस तरह के फर्जीवाड़े से उनको आने की परमिशन मिल गई, तो ये सब चीजें अभी देखने में आ रही है। इसलिए जो छोटे कर्मचारी हैं उनकी शिकायत को कैसे इग्नोर प्रशासन के द्वारा किया गया और आज वो सब इतने बड़े रूप में सामने आ रही है, ये इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है। कह सकते हैं अधिकारियों की लड़ाई भी सामने आ रही है। विनय जी के पास हम आएंगे। विनय जी, अभी जैसे कि दुष्यंत जी ने कहा कि अगर पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो 58% जो टेस्ट हैं वो सिर्फ हरिद्वार में हुए थे और बाकी जिलों के जो पॉजिटिव आंकड़े हैं वो 14% से ज़्यादा थे और हरिद्वार में जो आंकड़े थे पॉजिटिविटी रेट वो 2-3% था। तो इस तरह से अगर हम देखें दोनों चीज़ों को तो ये दिखाता है कि बहुत बड़ा घोटाला अगर इसका ऑडिट किया जाए। लगता है कि जहां भी कोई कमी है उसको जांच करना, उसके दोषियों को दंडित करना सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी काम को करेगी भी। लेकिन अगर हम किसी भी आंकड़े को लेकर अगर कोई धारणा बनाने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें ये मान के भी चलना चाहिए कि जो कुंभ में जो लोग आ रहे थे वो पहले से ही अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग थे और जो स्वस्थ लोग थे वही लोग वहां आ रहे थे। अगर किसी को थोड़ी भी अगर स्वास्थ्य में शक रहा होगा अपने भी, अगर किसी को छोटी मोटी खांसी जुकाम बुखार भी अगर होगा तो वो स्वयं भी नहीं जाएगा ना उसका परिवार वाला कहीं जाने देगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हमें हर विषय पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन जिसने अगर कहीं कोताही बरती है, कोई भी गलती की है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार कृत संकल्प है। लेकिन मैंने कहा कि वही आस्था जो वही दर्शन के लिए आ रहे थे स्नान के लिए जो जिनको लग रहा हम स्वस्थ हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में ही देखा गया है सिम्टम्स आपके अंदर बिल्कुल नहीं होते हैं, वो आप पॉजिटिव होते हैं। खैर हम उस पर नहीं जाएंगे, हम गरिमा जी के पास आएंगे। गरिमा जी, विनय जी का कहना है कि सरकार इस पर कार्रवाई करेगी, आप निश्चिंत रहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी कहना है कि जो CBI जाँच कराई जानी चाहिए इस पूरे मामले की। हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या CBI से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कोविड काल का पूरे देश का ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, प्लस यहाँ केवल उत्तराखंड के नागरिकों की लाइफ को एंडेंजर नहीं किया गया है, पूरे देश से विदेश से यहाँ श्रद्धालु आए, आपने जिस तरह से लापरवाही की सैकड़ों लोग काल का ग्रास बन गए, दिस इज क्रिमिनल ऑफेंस, ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये पाप है। आपने धार्मिक आयोजन से भ्रष्टाचार को जोड़ दिया, आप बनते हैं रामलला वाले मंदिर वाले, लेकिन आपने कुंभ के साथ जो छल किया है या कुंभ की छवि को, गरिमा को, महिमा को जो आपने मटियामेट किया है, जिस तरह से हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की आस्थाओं पर आपने चोट की है और आज पूरे समाज में आपने जो उत्तराखंड की छवि धूमिल की है, उसके लिए तो आपको फिर कभी माफ नहीं किया जा सकता। और शायद ऐतिहासिक गलती ये तीरथ कार्यकाल की होगी आने वाले दिनों में, आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा भी बनेगा। लेकिन आप कितनी बड़ी कोताही की 200 लोग सैंपल कलेक्टर जो दिखाए गए हैं वो राजस्थान बेस्ड स्टूडेंट्स है, दे नेवर केम टू हरिद्वार, वो कह रहे हम हरिद्वार नहीं आए और एजेंसी ने उनको सैंपल कलेक्टर्स बता रखा है, दिखा रखा है। एक मकान नंबर पर 530 लोगों का टेस्ट हुआ ये दिखाया गया है, अब आप बताइए एक मकान में 530 लोग कैसे रह सकते हैं। 720 टेस्ट जो हुए एक एंटीजन टेस्ट किट से हुए, यानी कि फर्जीवाड़ा जैसा कि मैं कह रही हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, इनके वहां हमाम में सब नंगे हैं और इनके तार सब लोग ये संरक्षण में हुआ है। और क्योंकि इन्होंने हाईकोर्ट में, मैनाली जी बेहतर पुष्टि करेंगे मेरी बात की, इन्होंने हाईकोर्ट में कहा था कि हम एक दिन में 50,000 टेस्ट कराएंगे, उस संख्या को दिखाने के लिए, क्योंकि टेस्ट तो ये करा नहीं रहे थे धरातल पर, अब इनको संख्या हाईकोर्ट को दिखानी थी, तो वहां भी ये अपराध किया इन्होंने कि हाईकोर्ट को झूठी संख्या दिखाई गई है, हाईकोर्ट को बताया और जताया गया कि हम एक दिन में 50,000 टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट कैसे कर रहे थे मैंने आपको बता दिया, 18 लोकेशंस के लोगों के फोन नंबर सिमिलर है, एक है, 18 प्रदेशों से आए हुए लोगों का एक फोन नंबर है, यानी कि झूठ माननी हाईकोर्ट से भी बोला गया है। तो हर स्तर पर ये सरकार
हर मोर्चे पर विफल है। आपने अभी अपनी अपडेट न्यूज में बताया कि आज वो भी पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं, विकास गिनाया दिखाया या पढ़ाया नहीं जाता, वो स्वयं दिख जाता है। और तीरथ रावत जी तो ऐतिहासिक मुख्यमंत्री के रूप में 3 साल में रहेंगे, क्योंकि उनके बयानों का तो अब एक म्यूजियम तैयार करना पड़ेगा। एक के बाद एक 200 साल तक हम अमेरिका के गुलाम रहे और 20 संतान पैदा करो और फटी हुई जींस, ये सारे तो इनके ऐतिहासिक निर्णय हैं। और जिस तरह से इन्होंने कुंभ में ये किया है लोगों के साथ, इसके लिए मुझे लगता है मानवता आज शर्मसार हुई है। और जब इसकी परतें खुलेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी। और बिल्कुल मैनाली जी ने ठीक कहा कि अगर छोटी शिकायतों पर ध्यान दे दिया होता, समय रहते आप हरकत पे आ जाते। सबसे ज्यादा टेस्ट हरिद्वार जिले में हुआ, अगर तुलनात्मक देखा जाए बाकी जिलों से 38 या 50% ज्यादा टेस्ट हरिद्वार जिले में हुआ। और जो संक्रमण की दर थी वो पूरे प्रदेश से, पूरे प्रदेश में 10-12% चल रही थी, तो हरिद्वार में 3 चल रही थी। तो उस समय हरकत में क्या अधिकारियों को नहीं आना चाहिए था? ये अधिकारी केवल मोटी मोटी तनख्वाह लेने के लिए हैं? ये आकलन नहीं कर सकते? ये आलोचना समालोचना नहीं कर सकते? ये क्या एक तरह से जो तुलनात्मक स्टडी होती है, एक लेमैन को भी आप बताएंगे कि 9.25 लाख टेस्ट में से केवल 35,000 संक्रमित मरीज निकल रहा है, तो उसके भी समझ में आएगा कि कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। लेकिन हमारे अधिकारियों के, हमारे नेताओं के समझ में नहीं आया। गरिमा जी, आपका ये कहना है कि सरकार ने कहा था कि 50,000 हम डेली टेस्ट कराएंगे, वो नंबर्स दिखाने के लिए ये जल्दबाजी की गई। ये सारा कुछ हाईकोर्ट के आगे झूठ परोसने के लिए किया गया और पैसे उगाही के लिए किया गया। 354 रुपया हर टेस्ट का बधा हुआ था कंपनीज के साथ, उसमें किस किस को जा रहा था वो पैसा, किस किस की जेब में जा रहा था ये तो पता नहीं, लेकिन हर टेस्ट पर 354 रुपया उगाने के लिए ये इतना बड़ा पर्जीवाड़ा किया गया है। और विनय गोयल जी बिल्कुल ना बोले कि हम हर एक को नापते हैं। आपने जब रेमडेसिविर की जो नकली इंजेक्शन की खेप पकड़ी गई, जब यहाँ नकली शराब पकड़ी गई, आज तक एक कभी गिरेबान नहीं नापा। निजी अस्पताल देखिए ना कैसे लूट रहे हैं यहाँ जनता को, 5 करोड़ रुपए के वैक्सीनेशन कर दिए निजी अस्पताल ने, क्या कार्रवाई करी आपने? आप केवल गरीब आदमी का चालान करना जानते हैं। आप बड़े मगरमच्छों के गिरेबान में हाथ डालने की ना हिम्मत रखते हैं, ना कुव्वत रखते हैं, और ना आपके पास कोई विजन है प्रदेश चलाने का। आज प्रदेश का बेरोजगार हो, युवा हो, महिला हो, किसान हो, सब आपसे परेशान हो चुके। आपने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए दे प्रदेश को, 5 महीने से रोडवेज कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है, 3 महीने से उपनल कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं है। और बात करेंगे सी प्लेन की, बात करेंगे बुलेट ट्रेन की, अब नई बात कर रहे मसूरी में टनल लाने की। तो बातें इनसे जितनी करवा लो, सब्ज बाग जितने दिखवा लो, और उपलब्धि अपनी गिना रहे हरिद्वार और। ठीक है विनय जी, कहीं ना कहीं आप मानते हैं सरकार से मॉनिटरिंग में दिक्कत हो गई, सरकार को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। अगर वो निजी लैब को ठेका दिया है, टेस्टिंग प्रक्रिया कैसी चल रही है, अधिकारी तो वहाँ जाएं, साथ ही सरकार के जो जिम्मेदार पद पर लोग बैठे उनको भी वहाँ जाना बनता था ताकि ये हेरफेर ना होता। या फिर ये बात है कि सरकार ने कहा था हम डेली 50,000 टेस्टिंग कराएंगे और वो टेस्टिंग नहीं हो पा रही थी, तो नंबर्स में वो आंकड़े दिखा दिए गए। जी विनय जी, आप ही से सवाल है सर। हाँ जी, सवाल दोहरा दीजिएगा। सर सवाल ये है कि सरकार ने ये कहा था कि 50,000 टेस्ट डेली कराएंगे, तो वो नहीं हो पा रहा था, तो नंबर्स में दिखा दिया गया कि हम 50,000 डेली टेस्ट करा रहे हैं। और साथ ही साथ क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी मॉनिटरिंग की, कि अगर प्राइवेट लैब को हमने ठेका दिया है तो वो किस तरीके से काम हो रहा है? अधिकारी तो जाएं, सरकार के जो जिम्मेदार पद पर लोग बैठे हैं उनका भी जाना वहां बनता था। देखिए, ये बार बार ये बात कही जा चुकी है कि जिसने भी अपने दायित्व के प्रति कोताही बरती है उनको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा और किसी भी प्रकार से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक अगर गरिमा जी को उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड पसंद नहीं आ रही है, वो उनको चुभ रही है, अगर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन उनको चुभ रही है, अगर मसूरी की टनल इन्हें बुरी लग रही है, मसूरी का रोपवे जो बन रहा है वो इन्हें बुरा लग रहा है, जो पिथौरागढ़ में ट्यूलिप गार्डन बन रहा है वो इन्हें बुरा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि इन्हें अपने बारे में विचार करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें कांग्रेस सपने में भी नहीं सोच सकती थी। कांग्रेस इसके बारे में उनका विजन की बात कर रही है। कांग्रेस का विजन
केवल लूट और खसोट का विजन है और उसने जिस प्रकार से लूट खसोट की है, ये केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी जनता ने भरी भांति देखा, प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किस प्रकार से एक मुख्यमंत्री टीवी चैनल पर कहता है वो सारे देश ने देखा, और शर्मसार उस दिन हुआ था उत्तराखंड जिस दिन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री टीवी चैनल पर कहते हुए ये पकड़ा गया था कि तुम 30 करोड़ कमा लो 40 करोड़ कमा लो मैं आंखें बंद कर लूंगा, वो उस दिन वो दिन शर्म का दिन था उत्तराखंड के लिए जिस दिन की उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का ये कहते हुए टीवी चैनल पर पकड़ा गया था। तो अपनी बातों को दबाने के लिए दूसरे के कंधे पर बंदूक चलाने का काम न करें, जो कांग्रेस ने काले कारनामे किए थे उसकी सजा प्रदेश की भी जनता ने और देश की जनता ने उन्हें भली भांति दी है और इसीलिए उनकी सही जगह पर जनता ने बिठाया है और आगे भी इनका यही हश्र होने वाला है कि अगर ये कोई किसी दीवा स्वप्न में कहीं जी रहे हो तो अपने आप को ठीक कर ले, जनता इन्हें आगे भी दंडित ही करने वाली है क्योंकि जिस प्रकार से ये जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं धारा 370 के बारे में इसके बाद इनके बात करिए। विनय जी शर्म का दिन तो आज भी ना जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, जो वहां पर गया है भक्ति भाव से स्नान करने गया है उसकी रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, आप फर्जी कागजों पर रिपोर्ट दिखा दे रहे हैं तो जान के साथ खिलवाड़ भी तो किया जा रहा है सर। तो सवाल तो आपसे पूछेंगे, सरकार आपकी है। हाँ, हम दुष्यंत जी के पास आएंगे। दुष्यंत जी, जैसा आप सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जिलाधिकारी ने जो मैक्स कॉरपोरेट कंपनी थी उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, ड्राफ्टिंग हो रही, ये कहा जा रहा कल तक मुकदमा दर्ज हो जाएगा। दुष्यंत जी, सवाल ये है कि मुकदमा किन किन लोगों पर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जो मेला प्रशासन के अधिकारी थे उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है इस पूरे मामले को लेकर, कि या फिर जो टेस्ट रिपोर्ट जिन लैब से बनाई उनकी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, कोरोना नियंत्रण का जो मामला है पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि सभी सरकारों का पूरे देश भर में और दुनिया भर में उनका प्राइम फोकस इस वर्क पे है, मतलब इस काम से ज्यादा महत्वपूर्ण पिछले दिनों में और कोई काम नहीं है, और उसमें भी अगर इतने बड़े पैमाने पर चूक हो जाती है तो किस स्तर तक के लोग जिम्मेदार है आप समझ सकते हैं। कोरोना कोई ऐसा विषय नहीं है कि एक जिला स्तर का मामला है या किसी मंडल स्तर का मामला है, पूरे प्रदेश स्तर का मामला है। कंट्रोल रूम बना हुआ है, वॉर रूम है, डेली मीडिया बुलेटिन आपका अपडेट होता है, कोर्ट में टाइम टू टाइम आप डेटा प्रेजेंट करते हैं। तो अगर उसमें इतने महीनों बाद कोई बात पता चल रही है तो उससे लगता है कि जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स देखे और उनका बैकग्राउंड चेक किया या नहीं किया उन एजेंसी का, तो वो सारे लोग इसमें जिम्मेदार होने चाहिए। और साथ ही साथ दुष्यंत जी, कि ये जो जांच की जाएगी, 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है, ये उसी पर जांच करेगी जो नीचे कर्मचारी हैं, जो छोटे तबके के लोग हैं, या फिर जो अधिकारी हैं बड़े अधिकारी उन पर जांच होगी, या फिर जांच को औपचारिकता महज करके खत्म कर दिया जाएगा? निश्चित तौर पर इस पर जैसा कि अभी बात हुई थी, इसमें न्यायिक स्तर पर या किसी बड़े स्तर पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाते हैं तो उसके कुछ कंपल्शंस होते हैं, वो किस दायरे तक जा सकते हैं उसके भी कंपल्शंस होते हैं, और एक सेइंग है कि नोबडी कैन बी जज इन हिज ओन कॉज, और जहां पर खुद ही प्रशासन चलाने वाले लोगों के ऊपर आरोप है वो खुद ही अपनी जांच करें, तो ये थोड़ा सा आयरनिकल लगता है, इसमें विडंबना लगती है, इसलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जांच की जानी चाहिए। इसको लेकर अगर दुष्यंत जी, जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड की, वो निर्देशित नहीं करते कर सकती सरकार को कि उत्तराखंड हाईकोर्ट की तरफ से कोई ऐसा पैनल बनाया जाए कि वो जांच का जिम्मा अपने ऊपर ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता सर? इस तारीख को इस मामले की सुनवाई है तो ये तथ्य भी कोर्ट के सामने है, और कल भी जो हियरिंग हुई थी पर्यटन के मामले में उसमें भी न्यायालय में संज्ञान में आया था, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी कमी, कोर्ट ने ये कहा कि कहीं भी अगर ढिलाई होगी तो लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट उसमें जरूर इंटरफेयर करेगी, अदरवाइज गवर्नमेंट चलाना, नीतियां बनाना ये सरकार का काम है, लेकिन लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए न्यायालय हमेशा ही इंटरफेयर करते हैं, और अगर 23 तारीख को जो सुनवाई होनी है अगले सप्ताह में उसमें ये विषय कोर्ट के सामने रखा गया है, तो देखते हैं कि न्यायालय इस पर अगर संज्ञान लेगा तो अवश्य ही इसमें दूध का दूध और पानी का पानी कोर्ट के आदेशों से होगा। जी ठीक है, देखने वाली बात होगी। हम गरिमा जी के पास आए। गरिमा जी, अक्सर ये होता है कि कोई बड़ा मामला सामने आता है, जांच होती है, तो जांच के नाम पर जो छोटे पद पे जो कार्यरत होते कर्मचारी या जो कमजोर होते हैं उन पर तो ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन जो बड़े पद पर होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो बच निकलते हैं, तो ज्यादातर जांचों में ऐसे ही देखा जाता है, तो ये जांच भी जो है इसी तरीके से होगी। जैसा कि मैनाली जी भी कह रहे हैं और मैं बार बार कह रही हूँ कि ये जो फर्जीवाड़ा उजागर हुआ
कि उत्तराखंड के किसी व्यक्ति, किसी अधिकारी या किसी नेता की जागरूकता या सतर्कता की वजह से नहीं हुआ। ये फरीदकोट के एक व्यक्ति के आईसीएमआर में शिकायत करने के बाद सारा फर्जीवाड़ा सामने आया। हमारी शिकायत सिर्फ इतनी है कि आप कुंभकर्ण की नींद में गए क्यों? विनय गोयल जी बार बार रिपीटेटिव हो रहे हैं, हरीश रावत के बिना तो इनकी कोई डिबेट ही पूरी नहीं होती, क्योंकि इन लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि टारगेट करिए एक व्यक्ति को, लगातार टारगेट करिए। इसके आपने देखा होगा पूरी डिबेट में ये बताने के बजाय कि अब सरकार किस रोड मैप के तहत इसमें काम करेगी, किस किस के गले नपेंगे, सरकार का क्या इसमें सोचना है, कौन कौन किस किस पर क्या क्या कार्रवाई होगी या सरकार क्या सोचती है इसको लेकर, वो पूरे समय कांग्रेस का इतना खवा इनको हो गया। और दो बार आपने जोड़ा, दोनों बार हरीश रावत का स्टिंग। भाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भूल गए जो नोटों की गड्डियां लेते हुए ऑन स्क्रीन पकड़ा गया था, और इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? ये बताओ कारवा लूटा कैसे, ये बताओ कि फर्जीवाड़ा हुआ कैसे? तुम तो जीरो टॉलरेंस की सरकार थे, तुम तो नॉन भ्रष्टाचारी सरकार थे। ठीक है गरिमा जी, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी बात जो है वो पूरी होगी। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी इसी कार्यक्रम पर इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। समय पर इलाज से ब्लैक फंगस बीमारी ठीक हो जाती है। कोरोना से ठीक होने के 20 से 30 दिनों के भीतर कुछ लोगों में म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण आ सकते हैं। इसलिए कोरोना से ठीक हो चुके लोगों और उनके परिजनों के लिए ब्लैक फंगस यानी म्यूकर माइकोसिस के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। जिन लोगों को डायबिटीज हो, कोविड के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए हो, स्टेरॉइड या ऑक्सीजन दी गई हो, आईसीयू में भर्ती रहे हो, कैंसर या किडनी रोग का इलाज चल रहा हो, उन्हें इस इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। ब्लैक फंगस के लक्षण हैं आंखों और नाक के पास लालिमा, चेहरे पर एक तरफ सूजन, लगातार बुखार या खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ या दर्द, उल्टी में खून आना और मानसिक स्थिति में बदलाव। इससे बचाव के लिए खास तौर से शुगर को कंट्रोल में रखें, मिट्टी और धूल वाली जगहों से बचें, फेस मास्क जरूर पहने, त्वचा पर लगी चोट की साबुन और पानी से अच्छी तरह से सफाई रखें। मेन आजकल बात चल रही है कि कोविड वालों में सब में हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। वो भी वो पेशेंट जो कि डायबिटिक हो, ऐसे पेशेंट में जो हाई स्टेरॉइड्स पे रहते हैं और लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी जिनको चल रही हो, उसकी प्योरिफिकेशन ठीक से ना हो, ऐसी कंडीशन में ही म्यूकर माइकोसिस इसी पेशेंट को होता है। कुल मिलाकर सर्जरी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप, ये तीनों चीजों को मिलाकर ही पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। और हाँ, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती। ये सावधानियां अपनाएं और ब्लैक फंगस को हराएं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। हम बात कर रहे हैं हरिद्वार में जो महाकुंभ हुआ उसमें जो जांच या घोटाला आया उस पर। हम वापस गरिमा जी के पास आए। गरिमा जी ब्रेक से पहले अपनी बात कह रही थी, उनकी बात अधूरी रह गई थी। गरिमा जी, हम चाहेंगे आप अपनी बात पूरी करें। विनय जी आपके पास आएंगे, गरिमा जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, आपके पास आएंगे जाएगा। हरीश रावत जी ने जो किया है देश की प्रदेश की जनता को बताया जी। हरीश रावत जी की सरकार नहीं है ना, सरकार आपकी सर, सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे। हर बार आप हरीश रावत जी की बात बीच में ले आते हैं, वो भी तो ठीक नहीं ना सर। आप अपने तथ्य और तरीके से भी रख सकते हैं, आप बता सकते हैं कहां से अगर सरकार की गलती कहीं हुई है तो उसको स्वीकार भी कर सकते हैं। क्योंकि मदन कौशिक सिंगल हैंडेडली कुंभ की तैयारियों को हैंडल कर रहे थे। ये तो तीरथ रावत तो 9 मार्च को आए, इनको तो नए नवेले दूल्हे की तरह कुछ पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है मेरे चारों तरफ। सारा जो काम खेल करना था करके मदन कौशिक अब कह रहे मेरा अधिकारी जिम्मेदार है। भाई तुम क्यों नहीं जिम्मेदार हो? तुम हरिद्वार के विधायक हो। निशान जी आकर कह गए कि तैयारियों ने मेरे सपनों पर पानी बिखेर दिया। और किस लिए कह गए? निशान जी अपना समय भूल गए, 2010 में अपने खजाने भर के चले गए और मुख्यमंत्री पद से भी हटाए गए कुंभ घोटाले के चलते। और अब आके आप कह रहे हैं कि कुंभ की तैयारियों से मैं बड़ा मायूस हुआ। मदन कौशिक की तरफ इशारा था। मदन कौशिक वो व्यक्ति हैं
जो नंबर टू की पोजीशन पे थे त्रिवेंद्र रावत सरकार में और जो सिंगल हैंडेडली निर्माण कार्य और तैयारियां देख रहे थे कुंभ की, उसके बाद इनसे पूछिए इनका प्रभारी मंत्री कौन था हरिद्वार का, ये संभाला प्रभार आपके प्रभारी मंत्री ने कि उसकी नाक के नीचे संक्रमण दर इतनी कम दिखाई जा रही है, 60% कम है संक्रमण दर बाकी जिलों से, तब भी आप लोग नहीं चेते, तभी भी हरकत में नहीं आया आपका शासन प्रशासन, एसी कमरे में ठंडी हवा लेने के लिए बने सबके सब अधिकारी और सबके सब नेता इनके। ठीक है विनय जी, ये तो मानते हैं कहीं ना कहीं गोलमाल हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ है, क्योंकि जहां अगर बात करें पूरे प्रदेश की जांच की तो 58% जांचें सिर्फ हरिद्वार में हुई हैं और वहां की जांच रिपोर्ट में अगर पॉजिटिव रेट की बात करें वो 3% करीब है और बाकी जिलों की अगर बात करें वो 14% से ऊपर है। तो पॉजिटिविटी रेट एक तरफ 14% से ऊपर, एक तरफ 3%, तो कहीं ना कहीं इशारा तो कर रहा है कि सरकार क्या आंख कान बंद कर बैठी हुई थी, उसकी नजरों में सब नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ इतनी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव रेट इतना कम क्यों है। हेलो हेलो विनय जी, आपसे सवाल है मेरा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए बार बार आप एक सवाल उठा रहे हैं कि 58% जांचें हरिद्वार में हुई हैं, तो कुंभ भी हरिद्वार में ही हो रहा था और हाई कोर्ट के आदेश भी वही के लिए थे जांच कराने के लिए। विनय जी पॉजिटिविटी रेट जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव रेट है वो तो 3% यहाँ पर, बाकी जगह आपका 14% से ज्यादा, तो वो तो एक दिखाता है, इतना फर्क कैसे सर, इतना मार्जिन कैसे? नहीं मैं ये तो बता रहा हूँ आपको कि जांच इसलिए वहां ज्यादा हो रही थी, अब अगर वहां पर कोई घोटाला हुआ है तो उसकी जांच हो रही है, उसके उनके भुगतान रोक दिए गए हैं, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसलिए ये कहना कि साहब वहां जांच क्यों हो रही थी ये गलत है, जांच क्योंकि वहां कुंभ हो रहा था इसलिए जांच वही होनी थी, इसलिए अधिकांश जांचें वही होनी थी और इसलिए मान्य कमी रही है उसकी जांच हो रही है, उसके ऊपर दंडित किया जाएगा, तो कुंभ के चलते ज्यादा होनी थी वहाँ, लेकिन पॉजिटिविटी रेट कम आने के बावजूद भी आपकी सरकार हरकत में नहीं आई, 60% ज्यादा थी आपकी, आपको ये अंदाज भी है कि पूरे प्रदेश की 10-12% जा रहा है संक्रमण दर, आपके हरिद्वार में 3% या 2.5% जा रहा है, तो क्या इतना बड़ा अंतर कुछ गोलमाल की तरफ इशारा नहीं करता? फरीदकोट के व्यक्ति का वेट कर रहे थे आप, मित्तल साहब का वेट कर रहे थे कि मित्तल साहब ICMR में रिपोर्ट कराएंगे, बर्जीवाड़ा पकड़ने का आपका कोई धर्म नहीं होता, ऐसे ही जीरो टॉलरेंस की माला सुबह से शाम तक जपते रहोगे, जहां भी जांच हो रही है जो भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के कहने पर ही हो रही है, और ऐसा नहीं है हर जगह आपने प्रश्न खड़ा करना उचित नहीं है, अगर ICMR भी जो संस्था है वो भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही काम करती है, उसने भी एक्शन लिया है तो उसको आप नहीं कहेंगे कि उसको कहीं दबाने का काम नहीं किया गया, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई करने का काम किया गया, आपके कहने से तो नहीं हुआ ना कुछ भी, या आपको तो नहीं पता था कुछ भी, लेकिन ICMR ने अगर ये बात करनी, अरे आपके आपके दल के मुखिया ना तो कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को मानते हैं ना उच्चतम न्यायालय, लेकिन विनय जी मानते ना कि विनय जी ये बात तो मानते ना कि देरी हुई है सरकार को, देरी हुई सरकार अगर पहले चेत जाती तो शायद इस तरह के आंकड़े जो हैं वो सामने ना आते, खैर समय का अभाव है। विनय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, दुष्यंत जी आपका भी शुक्रिया और गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे देवभूमि दंगल में कि हरिद्वार में जिस तरह से कुंभ का आयोजन हुआ, अब एक बड़ा घोटाला सामने आया जांच को लेकर, अब सरकार का कहना है इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो जिम्मेदार होंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, नमस्कार।